उन लोगों से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा महिंद्री जी से। महिंद्री जी माँ है गुरमीत की, जिनको इनकाउंटर में मारा गया था। तो वो पता नहीं वो किस टाइम फिर गाँव से दिख रहा है। आठ सात बजे तो कोई नहीं अस्पताल में ठा जाए। अस्पताल में हमें कोई पता नहीं कहाँ थी है वो। 10-11 बजे हमें पता लगा तो पुलिस की गाड़ी बढ़ता आई। उसमें जो पुलिस वाला था वो भी काम कर रहा था तो वो भी गा था तो गाड़ी भर भर दिन की आई तो दिमाग में पता लगा तेरा लड़का वहाँ थी अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ भी चली जाए उनका फिर वहाँ अस्पताल में आए। उसमें क्या कह रहा है हमारे साथ गुरमीत की बहन ममता भी है, वो अगर शायद बात पूरी करना चाहे। कौन पाए उनका इतनी देर में उनका खाया था अब ना दे। ऊपर ले ली गुरमीत को घर से बुला के ले गए पहले तो फिर शाम को ये घर में आए और सुबह ही उसको गोली लग गई। हमें तकरीबन ऐसे बताया 10-11 के टाइम हो रहा था शायद और पुलिस वालों ने सुना के बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। हमें ये नहीं बताया कि उसके गोली मार बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में आया सहारनपुर। फिर हम सहारनपुर हॉस्पिटल में आए वहाँ से पता चला कि वह मेडिग्राम हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ जाके पता चला कि उसके तो दो गोलियाँ लग गई और फिर जो गाँव के लोग भी गए थे काफ़ी सारे गाँव के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और ऑपरेशन के लिए दे दिए। तो पहले ऑपरेशन ये पीठ वाला नहीं करवाया पुलिस वालों ने, पहले पैर की गोली करवाई। गाँव वालों ने कहा पहले पीठ की गोली निकाल दो, उन्होंने मना कर दिया कि ये भी निकल नहीं थी पहले पैर की निकाल दो। उन्होंने पैर की गोली निकलवा दी और फिर पीठ की नहीं निकलवाई। उनसे 3-4 दिन के बाद वो गोली निकल गई। पहले कहो गई कि ये भी खून नहीं मिल रहा है ये कमजोर है बस ऐसे ही करते रहे और 3-4 दिन बिता दिया ऐसे। फिर एक दरोगा आया पहले हमारे में था पोस्ट नगर में, उसे सब कुछ पता था कि ये बंदा सही है मतलब उसकी सारी डिटेल पता था परिवार में कैसे रहता है कैसे काम करता है। और उसने वो वहाँ पे बुलवाया जो अंकल जी है मेरे टीचर हैं उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया और गुरमीत का ऑपरेशन नहीं होने दे रहा पुलिस वाले। तो फिर मैं वहाँ आए उन्होंने फोन भी दिया अपना और 4 बंदे और ले आए थे फोन के लिए और उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करवाया आपका। और ऑपरेशन करवाने के बाद मैं तो चले गए थे तो फिर उनकी ड्यूटी कहीं और थी मैं चले गए थे वहाँ से। और फिर उन्होंने जब ऑपरेशन नॉर्मल हो गया तो उन्होंने दवाइयों में कमी कर दी। दवाइयों में कमी करने के बाद जब हम मिलने जाते थे बात नहीं करने देते थे कहते इससे बात ना करो ये बोला नहीं जा रहा है ऐसा। जब भी बात करने के लिए 5 मिनट लेते थे लेकिन अकेले नहीं जान देते थे और 2 पुलिस वाले साथ में जाते थे एक इधर रहता था एक इधर अगर बात करते थे तो मना कर देते थे। और अगर वो कुछ बताना चाहता था तो बस कहते थे टाइम हो गया चलो टाइम हो गया कुछ भी बात बताने के लिए ये बताने नहीं देते थे। तो फिर ऐसे ही जाते थे तो बात तो कर नहीं देते थे बाहर डाल जाते थे बस खिड़की से या शीशे में ऐसे खाते थे बाहर से। और अगर जाते थे तो क्या कहता था कि माँ मेरी दवाइयों में कमी है और ना ही मुझे पानी देते हैं और आप भी मेरे लिए दूध नहीं देगा सिर है तो लेकिन बाहर से देते थे। और जैसे कि एक दिन उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई एसी रूम से उसने नीचे उसे रूम में डाल दिया कहने लगे अब इसकी छुट्टी करेंगे ये अब ठीक हो गए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। जैसे ही मैं नीचे रूम में लाया तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई
और जब यहाँ से घर में थे मम्मी गई हुई थी, मम्मी वहीं पर रुकी थी। फिर क्या लगे कहते इन्फेक्शन हो गया, उसका ऑपरेशन दोबारा से हुआ। और क्या लगे ये अंगूठा लगा तो मम्मी को अंगूठा लगवाया और लगवा के बिठा दी। और फिर क्या लगे इसका ऑपरेशन दोबारा से हो रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो सही हो गया। तो रात के ऐसे बज रहे थे करीबन 7 और पैर में इंजेक्शन लगाया पहले तो उन्होंने मम्मी हिस्से में देख ली थी। और फिर उन्होंने देख लिया कि मम्मी देख रही है तो मम्मी को बाहर कर दिया पुलिस वालों ने। क्या लगे धोखे से कैसे आ गई, इसे बाहर कर दिया। और फिर उसके जो डॉक्टरी कर रहे होंगे मैं कर रहे होंगे, लेकिन उनमें बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मम्मी तुम जब चालो चालो, लेकिन उन्होंने फिर जाने दे रहे थे अंदर, मतलब देखने दे रहे थे। और मेरी मम्मी फिर रोती भी गई, फिर दोबारा देखा कि घर इधर उधर हो गया, फिर दोबारा चली गई। फिर कहने लगे कैसे आ गई अंदर, कैसे आ गई, लेकिन इसे वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर कर दिया, गेट से बाहर। बारिश आ रही थी उस दिन, नहीं 21 तारीख में थी, 21 शाम को बारिश आ रही थी और ये गेट से बाहर बारिश में खड़ी कर दी। फिर मम्मी ने कहा कि चलो मैं चिल्लाने के लिए मैं दूर से देख लूँगी, मुझे अंदर तो कर लो, मैं बारिश में भीग जाऊँगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर घर ने वो अंदर कर दी मम्मी, फिर ही बैठ के जाकर फिर देखा थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन भी उतरी हुई थी जब दोबारा इन्होंने देखा, लेकिन उस टाइम ख़त्म थी। अभी हम ये नहीं जानते कि उन्होंने इंजेक्शन कैसा लगाया था, ऑपरेशन कर देते या कुछ बोल कर देते, लेकिन उससे पहले भी ठीक थे। जिनके शौहर शमशाद को सहारनपुर में एक इनकाउंटर पे मार दिया गया था, सालिहा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात करें। साल की पत्नी सालिया बोल रही हूँ। मेरा शौहर 2.5 साल से देव पहले सहारनपुर फिर देवगम जेल में था। 4 महीने से सारी पनीर बेसिकल ले कर जा रहे थे और 4 महीने के बाद लेकर गए 8 सितंबर को। और रास्ते में करते हुए की सारी जगी उन्होंने रास्ते में ही उन्होंने अगवा कर दिया। जन्म रात के 9 बजे खबर दी 8 सितंबर को, घर पर आए 4 भाइयों को उठा कर ले गए कि तुम्हारा भाई भाग गया पेशी से वापस आते हुए। और ले जा गए 4 भाइयों को उन्हें और रात भर रखा खाने में, सुबह को उनको छोड़ दिया। उसके बाद 11 सितंबर को 10 बजे खबर दी उन्होंने कि 1:30 बजे रात संसार का इनकाउंटर हालांकि लाइट का हो गया। उसके बाद हमने सरकारी अस्पताल में बताया, उन्होंने हमने देखा वहाँ पर जाकर तो वहाँ बॉडी जो देखी तो रात का इनकाउंटर भी था, वो 3 दिन पहले ही इनकाउंटर था, 3-4 दिन पहले। और उनके बहुत गोलियाँ लग रही थी, वैसे चोट भी थी, उनके गले पर निशान भी थे, बहुत कुछ था उनके। जी वहाँ से देखा हमने उनको, फिर इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँ हमारे साथ मंसूर की माँ जावेदा और उनके भाई वसीम हैं। मैं मंसूर के भाई वसीम से दरख्वास्त करूँगा कि मंसूर के इनकाउंटर के बारे में भाई। ये काफ़ी दिन से 2-2.5 साल से दिमागी रूप से सही नहीं था, घर पे पूरे इलाके को सबको मालूम है क्या स्थिति थी क्या नहीं। और ये जो है एक एस ओ जी टीम के प्रशांत कपिल, उन पुराने संबंध थे उससे मंसूर से, और इकराम है जलाबाद के रहने वाले जो 6 साल ड्यूटी कर चुके हैं सहारनपुर में, तो उसके पास आते थे जाते थे पहले उससे क्राइम कराते थे हम सब बताएंगे आपसे, और उसको छोड़ देते थे।
लेकिन 2-2.5 साल से जो है उसको छोड़ जो दिया गया था, दिमागी रूप सही नहीं था इसलिए कोई नहीं आता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसे लेने के लिए हुए और बोला कि मंसूर कहाँ पे, हमारी बुआ जी घर पे थी, बाकी कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई यहीं पे है तो उसको बुला कर लाओ। नदी में क्या हुआ था, क्योंकि दिमागी रूप जिसका सही नहीं है वो क्या मालूम कहाँ जाना क्या करना, ऐसी हालत में था। उसको बुला के लाए, उनको चाय पानी दी हमारी बुआ जी ने, और फिर वो कहने लगे भाई मंसूर को हमारे साथ चल। उसने बोला मैं इस लड़ाई का नहीं रहा हूँ कि आपके साथ कहीं जाऊँ, कि नहीं जिस तरह पहले आपको ले जाते थे इस तरह ही आपको छोड़ जाए। उसने बोला आपके साथ जाऊँ या कुछ क्यों, और मैं इन चीज़ों से बिल्कुल त्याग कर दे चुका हूँ, क्योंकि मेरी मानसिक हालत भी सही नहीं है और शरीर की भी हालत सही नहीं है। उसके बाद क्या है, वो चाय पानी पिए और ज़बरदस्ती के तौर पर, क्योंकि सहारनपुर में कौमी इजलास था, सब मर्द लोग वहाँ पे हुए थे, गांव में कोई नहीं था, तो नारे लगाते हुए घर से बाहर लेकर निकले। कहने लगे नहीं चलो चलो, तो ज़बरदस्ती के तौर पर गाड़ी में डाल के गए। ले जाने के बाद में जैसे मैं बाजार जा रखा था, बच्चों ने बताया कि भाई आज तो वो उसको लेके गए। मैंने कहा कौन आया होता था, बच्चे थोड़े जानते भाई कौन था कौन नहीं। तो फिर कोई नहीं, मैंने कहा चलो भाई हो सकता है कोई दोस्त आया हो घुमाने फिराने के लिए लेगा, भाई इसकी मानसिक हालत कुछ बाहर निकले कुछ सुधार आए। तो सुबह को हमें फिर खबर मिली न्यूज़ के जरिए से, हमारे दोस्त ने बताया कि भाई मंसूर कहाँ पर है। फिर उसके दोस्त लोग आए थे उसमें साथ ले गए, कहने लगा फिर उसका तो इनकाउंटर हो गया है। हमने कहा भाई कहाँ पे किस तरह, तो हमने पूरी डिटेल मालूम की कि मेरठ में। तो वहाँ से जैसे गांव का सभी इलाका इकट्ठा हो गया कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, चलो जब क्राइम करता था हम भी इस चीज़ को मानते, जिस टाइम क्राइम करता था अगर मारा जाता हमें कुछ लेकिन आप दोस्त के साथ जो मानसिक रूप से भी सही नहीं है और कुछ कर नहीं रहा, उसे घर से ले जाके दोस्त होने के नाते कर रहे में ले जाके, और वहां पे दिखा रहे कि वैगनार गाड़ी लूट रहे थे, इससे वैगनार गाड़ी लूट के भाग रहे थे तब इनकाउंटर किया। अरे इनकाउंटर नहीं, आपने कतल किया उसका। और फिर एक जगह दिखा रहे कि आपने 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रखी थी एक से। चलो इस चीजों को छोड़ते हैं हम, और उसके बाद कहते हैं कि कंपनी भाग पे जाए, हमने घेर लिया चारों तरफ से। जब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और 3 क्रैमर बता रहे हो, एक को मार देते हैं और 2 भाग जाते, कैसे भाग सकते हैं शहर के बीच में से, एक जाहिर सी बात है। कि उसके बावजूद भेड़ थाना हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि भाई उसका मंसूर का एनकाउंटर हो गया। रात में 3-3:30 बजे जाते हैं घर पे पूरे प्रधान जी को लेके, और हमारी ये बुआ जी बैठी है और फूफा जी हमारे काफ़ी सहीब हैं, इनको कहते हैं कि इसके जो है क्या बोलते हैं उसको वारंट आए हुए हैं और उसकी वजह से भी साइन कराने हैं, तब भी ये नहीं बता रहे कि उसको एनकाउंटर में मार दिया गया है, सबसे बड़ी सारी चीज। और उसके बाद फिर बताया गया कि ये 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था। जब 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था, 2-2.5 साल से घर पे रह रहा था, तो बेड थाना कहाँ पे सो रहा था, उसे क्यों मालूम नहीं था कि भाई ये 25,000 रुपए का इनाम ये है, इसे अंदर क्या जाए। और उसके बावजूद मानिएगा 25,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित किया और भी गेयर डाल दिए गए, और ये जोड़ दिया गया कि ये जो है मुकीम काला गैंग का शूटर है टॉप का, और ये मुकीम कार्य के पास सारे ऑर्गेनाइजेशन यही वो कर रहा है। तो एक शादी से कतल किया गया इनकाउंटर नहीं। और उसके बाद यूपी पुलिस तो आजकल ऐसा हो रहा है कि गरीब और कोई भी अच्छा सा लड़का दिखता है, कोई जरा सा इशू मिलता है मार देते हैं, और कह देते हैं कि इनकाउंटर गया वहाँ पे लूट कर रहा था, इस तरह जा रहा था, एक शादी से, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर हमने जो है उसमें केस डालने की बात की, तो हमारे पास राजनीति वाले लोग भी गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप गरीब आदमी हो इनकी हालत को देखते हुए। लेकिन उन्होंने भी सरल सर ने हमारे साथ मजाक किया है, कभी वकील के पास ही इसके पास जब एक दो दो महीना तक वकील ने हमारा कोई केस नहीं लिखा, और हम भी प्रेशर ही बना गया, अरे आप क्या कर रहे हो, आप प्रशासन से उलझ रहे हो, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कभी अगर हमारा कोई गलती होती हम कोई वो नहीं करते, जब हमारे की कोई गलती नहीं बेवजह कतल किया गया, हम इसमें चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े कहीं भी जाना पड़े हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। उसके बावजूद हमें फिर जो रिपोर्ट होती है वहाँ की, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। भेड़ थाने में जाते हैं वो कहते हैं कि आपको कोर्ट से मिली, कोर्ट में जाते हैं कहते हैं आपको भेड़ थाने से मिली। एक दो महीने तक ऐसे कुत्ते की तरह में फिरा, क्यों सबको मालूम है गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलने की वजह से हम यहाँ तक आए हैं।